हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस के बारे में। यस, तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, आज हम लोग पढ़े हैं फास्फोरस का कंपाउंड। सबसे पहला कंपाउंड्स है आपका फॉस्फीन। तो फॉस्फीन का जो फार्मूला होता है वो PH3 होता है। जब स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो फॉस्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर्ड फॉर्म में रहेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड रहेगा हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके 3 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता दिया। देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, तो 3 हाइड्रोजन फॉस्फोरस से बाय द सिग्मा बॉन्ड्स जुड़ गया। लेकिन अब यहाँ पर एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग लोन पेयर के नाम से जानेंगे। तो एक लोन पेयर रहता है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स रहता है और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा। जिस तरह से NH3 का स्ट्रक्चर था उसी तरह से PH3 का भी होता है, इस वजह से मैंने डिटेल में इसको नहीं बनाया, आप वहां से देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ये होगा, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, ड्यू टू ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल भी मैंने वहां पर डिस्कस किया था। अगर लेस रिएक्टिव मेटल या फिर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स अगर टर्मिनल एटम के फॉर्म में रहेगा तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन या फिर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होने का चांस कम होता है, जिस वजह से यहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। और यहाँ पर जो जुड़ेगा वो प्योर पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा और प्योर पी ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर रहता है और 90 डिग्री एंगल पर होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फॉस्फीन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहला आपका बाय द एक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विथ H2O एंड डाइल्यूट HCl। तो कैल्शियम फॉस्फाइड को H2O के साथ कंबाइन करवा देंगे एंड डाइल्यूट HCl के साथ कंबाइन करवा देंगे, तब जाकर के हम लोग को क्या बनेगा, फॉस्फीन का फॉर्मेशन होगा। तो Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड को H2O के साथ अगर हम लोग कंबाइन करवा देंगे तो CaOH2 का फॉर्मेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और फॉस्फीन गैस यहां से रिलीज होगा। नेक्स्ट है अगर कैल्शियम फॉस्फाइड को H2O के साथ कंबाइन करवा देंगे, सॉरी HCl होगा, तो HCl के साथ अगर कंबाइन करवा देंगे, यहां पर H2O नहीं होगा HCl होगा, तो Ca3P2 को अगर HCl के साथ कंबाइन करवा देंगे तो CaCl2 एंड PH3 यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ पर आपका HCl होगा। तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और PH3 गैस रिलीज होगा, तो यहाँ पर भी फॉस्फीन आपका बन जाएगा। अगर हम लोग लेबोरेटरी में फॉस्फीन गैस चाहिए तो कैसे बनाएंगे, बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस विद कंसंट्रेटेड NaOH। अगर व्हाइट फॉस्फोरस को कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कंबाइन करवा देंगे NaOH सॉल्यूशन के साथ इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, तो CO2 का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। व्हाइट फॉस्फोरस को NaOH सॉल्यूशन के साथ कंबाइन करवा देंगे तब जाकर के क्या बन जाएगा, आपका PH3 बन जाएगा। जैसे P4 व्हाइट फॉस्फोरस है, NaOH कंसंट्रेटेड NaOH के साथ NaOH सॉल्यूशन, तो H2O NaOH और यहाँ पर P4, तो इसके साथ अगर कंबाइन करवा देंगे तो PH3 बनेगा, NaH2PO2 का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग सोडियम हाइपोफॉस्फाइट कहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम हाइपोफॉस्फाइट का फॉर्मेशन हो गया, PH3 का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर हमको ये जो PH3 मिल रहा है तो वह कहाँ मिल रहा है, आपको लेबोरेटरी में मिल रहा है। तो ये आपका सेकेंड प्रोसेस हो गया फॉर्मेशन ऑफ PH3 का। थर्ड है आपका प्योर PH3 आर नॉन इन्फ्लामेबल। प्योर जो PH3 होगा वो इन्फ्लामेबल नहीं होगा, बट इट इज इन्फ्लामेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ P2H4 और P4 वेपर। P2H4 या फिर P4 वेपर के प्रेजेंस में PH3 जो है ये क्या होगा, जलने लगेगा, इनफ्लामेबल होगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में प्योर PH3 अगर रहेगा तो वो इनफ्लामेबल इन नेचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू प्यूरिफाई इट फ्रॉम द इम्प्यूरिटीज। तो अगर इसको हम लोग इम्प्यूरिटी से दूर करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो HI का रिएक्शन PH3 के साथ करवा देंगे तो PH4I का फॉस्फोनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा और फॉस्फोनियम आयोडाइड को NaOH के साथ PH4I को NaOH के साथ या फिर KOH के साथ कंबाइन करवा देंगे, यहाँ पर PH3 बन जाएगा और KI पोटेशियम आयोडाइड और H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो PH3 हम लोग लिए थे वो इम्प्योर PH3 था, लेकिन यहाँ पर जो रिलीज हो रहा है PH3 ये क्या है,
प्योर PH3 है। तो इस तरह से हम लोग इम्प्योर PH3 से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट कर लिए, प्योर PH3 हम लोग फॉर्म कर लिए। तो ये था टू प्योरीफाई इट फॉर्म इम्प्योरिटीज़। तो इसको किस तरह से इम्प्योरिटी को दूर करेंगे, प्योरीफाई किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट टर्म है आपका प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी किसका, फॉस्फीन का। फॉस्फीन का प्रॉपर्टी क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी इसका होता है ये कलरलेस होता है, रोटेन फिश लाइक स्मेल होता है, हाईली पॉइजनस होता है। ये जो फॉस्फीन होगा ये हाईली पॉइजनस होगा, इसका स्मेल रोटेन फिश लाइक सड़ा हुआ मछली की तरह होता है, और ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपको स्लाइटली सॉलिबल इन वाटर, PH3 थोड़ा बहुत सॉलिबल होगा किसमें, वाटर में। तो ये आपका था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फीन। नेक्स्ट आपका केमिकल प्रॉपर्टी किसका, फॉस्फीन का। तो अगर हम लोग फॉस्फीन, तो सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फीन इन वाटर इज वेरी लेस स्टेबल। तो फॉस्फीन का सॉल्यूशन वाटर में वेरी लेस स्टेबल होता है, इट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ HNU। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ PH3 का बात करें, इसका मतलब सॉल्यूशन ऑफ PH3 इन वाटर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल या फिर वेरी लेस स्टेबल। तो वेरी लेस स्टेबल होने की वजह से ये डिकम्पोज कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ HNU। तो HNU के प्रेजेंस में जैसे ही डिकम्पोज करेगा PH3, तो बना लेगा आपका रेड फॉस्फोरस एंड H2 रिलीज करेगा, H2 गैस रिलीज करता है। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फीन था, फर्स्ट। सेकेंड क्या है, रिएक्शन विथ CuSO4 एंड HgCl2। तो अगर हम लोग रिएक्शन करवा देंगे किसका, फॉस्फीन का, किसके साथ, कॉपर सल्फेट एंड HgCl2 मरकरी क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ करवा देंगे रिएक्शन, तो क्या होगा, तो CuSO4 फॉस्फीन के साथ कंबाइन करके Cu3P2 का फॉर्मेशन करेगा और H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेगा। उसी तरह से HgCl2 अगर PH3 के साथ कंबाइन करवा दे करेगा तो Hg3P2 का फॉर्मेशन करेगा और HCl का फॉर्मेशन करता है, ये ब्राउनिश ब्लैक होता है। Hg3P2 जो है इसका कलर होता है क्या, ब्राउनिश ब्लैक। थर्ड आपका केमिकल प्रॉपर्टी है फॉस्फीन का, ड्यू टू वीक बेसिक नेचर, फॉस्फीन वीक बेसिक नेचर शो करता है। तो ड्यू टू वीक बेसिक नेचर ऑफ फॉस्फीन इट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म फॉस्फोनियम सॉल्ट्स। अगर फॉस्फीन को हम लोग रिएक्शन करवा देंगे एसिड के साथ, तो ये वीक बेसिक नेचर होने के वजह से एसिड के साथ कंबाइन करके सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम है फॉस्फोनियम सॉल्ट्स। जैसे PH3 अगर HBr के साथ कंबाइन करेगा तो फॉस्फोनियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा, और जो कि ये क्या है, आपका सॉल्ट है। उसी तरह से फॉस्फीन अगर HI के साथ कंबाइन करता है तो PH4I का फॉर्मेशन करेगा, फॉस्फोनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये भी क्या होगा, सॉल्ट्स होगा। नेक्स्ट आपका फॉस्फीन अगर H2SO4 के साथ कंबाइन करता है तो फॉस्फोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, किसका करेगा, फॉस्फोनियम सल्फेट, और ये भी क्या है, एक सॉल्ट्स है। तो अभी तीन रिएक्शन आप देखें किसका, फॉस्फीन का। तो फॉस्फीन सबसे पहला था, एक्वा सॉल्यूशन में फॉस्फीन लेस स्टेबल होगा, जो कि HNU के साथ HNU के प्रेजेंस में डिसोसिएट करके रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है CuSO4 के साथ कंबाइन करके या फिर HgCl2 के साथ कंबाइन करके एक ब्राउनिश ब्लैक कलर के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेगा। और चौथा है आपका, ड्यू टू वीक बेसिक नेचर ऑफ फॉस्फीन रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, और ये सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग फॉस्फोनियम सॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका इसका केमिकल प्रॉपर्टी। अब यूज देखते हैं, फॉस्फीन का क्या यूज है। एक होता होल्मेज सिग्नल। होल्मेज सिग्नल क्या काम करता है, जैसे सी में जो है सीप सब जो होता है, तो उसको बहुत दूर का चीज देखने के लिए ये होल्मेज सिग्नल बनाया जाता है। होल्मेज सिग्नल में रहता क्या है, कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। और जिस कंटेनर में ये कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड रहता है, उसके नीचे से दो ओपनिंग रहता है, और इस ओपनिंग रहता है, और इसको जैसे ही सी में फेंका जाता है तो ये H2O के साथ कंबाइन कर लेता है। तो Ca3P2 एंड CaC2 इंडिविजुअली H2O के साथ क्या करेगा, कंबाइन। जैसे ही इस ओपनिंग से वाटर जाएगा तो जाकर के दोनों इंडिविजुअली इसके साथ कंबाइन कर लेगा, और कंबाइन करने के बाद
ये CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है एंड PH3 गैस रिलीज करता है, और ये CaC2H2O के साथ कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और C2H2 का फॉर्मेशन करता है। तो व्हेन द कंटेनर इज थ्रोन इन द सी वाटर देन द गैसेस इवॉल्व बर्न एंड सर्व एज अ सिग्नल। जैसे ये जो PH3 गैस रिलीज होता है तो ये बर्न करने लगता है और बर्निंग के वजह से वहाँ पर लाइट निकलता है और स्मोक निकलता है, जिससे पता चलता है जो दूर में क्या चीज़ है, कुछ ऐसा रहेगा तो यहाँ से हम लोग टर्न ले सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हॉल में सिग्नल। तो ये हॉल में सिग्नल का यूज होता है सी में, जो वहाँ पर बड़ा बड़ा सिप सब होता है उसको रास्ता दिखाने का काम करता है, ये डायरेक्शन देता है जो आपको किधर जाना चाहिए और किधर नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट कंसेप्ट था अबाउट फॉस्फीन। तो ये आपका फर्स्ट कंपाउंड था किसका, फॉस्फोरस का। ओके, थैंक यू।